بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وَوُزِيَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ تمام قسم دی حمد و ثنا بڑائیاں کبریائیاں عظمتاں تنہائیاں یکتائیاں دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی ہے لکھاں کروڑاں گیم درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال
साहिब शर्फो कमाल सारी कायनात सरदार खतीबे बे मसाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ली। अजीज साहिबो साथियों दोस्तों बुजुर्गों वाजिबुल एहतराम माओ और बहनों आज दे इस अजीम शान खुतबा जुम्मतुल मुबारक दे अंदर तुसी अल्लाह पाक दी बाबरकत और अजीम शान किताब तो जिस मुकामे आली शान समात फरमाए अल्लाह रब रहमान दी बाबरकत किताब दा चवियां पार है और सूरत का नाम है सूरत जुमर। सूरत जुमर के अंदरों 68, 69 और 70 नंबर आयत मैं तुहाड़े सामने पढ़ी है। अल्लाह मालिक को दुआ है अल्लाह मैनू सही मायनों के अंदर कुरान हदीस के मुताबिक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और सानू सारयां ना सुन सुना के अल्लाह पाक उस ते अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। मोहतरम भाईओ अज दा उनवान अज दा मौजू जिहड़ा सी तुहाडे नाल वादा कीता सी दो जुम्मे अजाब कबर के हवाले नाल तुसी समात कर चुके हो। अज कबर तो अंदरों उठ के ते मैदान महशर तक कबर दे अंदरों उठना और मैदान महशर के हालात और कबर तो उठन के हालात जड़े ने की होंगे जरा तवज्जो दे नाल बातां सुनने वालिया ने। अल्लाह अकबर अल्लाह मामला बड़ा सख्त होना उस दिन। अल्लाह अल्लाह कायनात के सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने सब तो पहले ना मेरी कबर फटेगी मेरी कबर शक कीती जाएगी। अल्लाह दे सोहने नबी फरमांदे ने मैं अपनी कबर चो निकलांगा ना ते अगे जनाबे मूसा अलैहि सलाम खड़े होंगे ते मैं वेख के हैरान हो जाऊंगा। ये अल्लाह जानता है कि वो जड़ा करना फूकिया गया है जड़ी फूक वजी है जिन्हें अंदर लोग बेहोश हो गए सन या बेहोश होए ने या अल्लाह ने उन्होंने इस्तिस्ना करार दिती है। अल्लाह अकबर अल्लाह कुरान पाक दे अल्फाज जरा सुन लो कितना मामला सख्त है उस दिन का। जड़ियाँ मैता पढ़िया उस तो पहली आयत के अंदर अल्लाह पाक तवज्जो दवा रहे ने अल्लाह दा कुरान कह रहे अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया अपनी जबान नबूवत तो ऐलान कर दियो वमा कदरुल्लाह हक्का कदर ही वल अर्ज़ो जमीयन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मतवियातुन बियमीनिही सुबहानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह दा कुरान कह रहे हैं लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की। तवज्जो जरा तवज्जो कुरान दे अल्फाज दे तर्जमा क़यामत दा दिन मेरा वीर आसमान अल्लाह दियां उंगलियां दे विच लपेटे होए होंगे। अल्लाह अल्लाह ए आसमान जड़े इतने बड़े नजर आ रहे ने ना मेरा भाई कुरान कह रहे हैं अल्लाह पाक दियां उंगलियां च समेटे होए होंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह वनुफिखा फिस्सूर फसाइका मन फिस्समावाती व मन फिल्ला
الارضی الا من شاء اللہ۔ پھر کرنا دے اندر پھوک مار دیتی جائے گی نا، کرنا دے اندر پھوک مار دیتی جائے گی نا۔ اور کرنا کی ہے آ میں تینوں دستا جاواں، جناب عبداللہ بن عمر کول ایک بار جناب عبداللہ بن عمر فرماندے نے، ایک عرابی بندہ آ گیا نا، آ کے سوال کردا ہے یا رسول اللہ مسور، اللہ دے نبی جی کرنا کی ہے، سونے آ سور کی ہے، اللہ دے نبی جی جڑا سور پھونکیا جانا کی ہے؟ آ فرماندے نے کرن یونفخ بہی یونفخ فیہ، جامع ترمذی دے الفاظ نے، میرے نبی فرماندے نے ایک کرنا ہے، کرنا لے کے ایک اللہ پاک دا فرشتہ بیٹھا ہے، اندا نام کی اسرافیل نام، ویر جی اندے سجے پاسے جبریل ہوئے گا، حدیث پاک دے الفاظ اندے کھبے پاسے میکائیل ہوئے گا۔ اسرافیل جڑا ہے اندی ڈیوٹی ہے ہوئی ہے، جدوں دا اللہ پاک نے اینوں پیدا کیتا ہے نا، کائنات دے سردار فرماندے نے ایک سنگ جے اللہ پاک نے اینوں دے دیتا ہے، ایک جناب ایک کرنا جے اینوں پکڑا دیتا ہے نا، میرا ویر اینوں لے کے بیٹھا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اینے کان لائے نے اللہ دیاں آوازاں تے، ایندی ڈیوٹی اے ہوئی ہے، ایندی ذمہ داری اے ہوئی ہے، ایندی نوکری اے ہوئی ہے، ایندا کم اے ہوئی ہے، ایندی عبادت اے ہوئی ہے، اے اللہ دے ول کان لا کے بیٹھا ہے۔ جدوں آواز پینی ہے وانو فی خافی سور، ساری کائنات سردار فرماندے نے قرآن کہہ رہے ہیں، جدوں آوازاں پینیاں نے سور دے اندر پھونک مارن دیاں، انہیں پھونکا مار دینیاں نے، فسائے کا من فی سماواتی والارضی الا من شاء اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے پھر سمان و زمین دے اندر جڑی کوئی چیز ہے نا، میرا ویر انہیں ختم ہو جانا ہے، بے ہوش ہو جانا ہے۔ اللہ اللہ، آنا قرب قیامت ہے، ہولناک مناظر میں تینوں دستا جاواں نا۔ کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے جدوں کرنا دے اندر پھونکا مار دے گا نا، اللہ اکبر اللہ، پہلا پہلا بندہ کون ہونا ہے؟ جناب عبداللہ بن عمر فرماندے نے ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے، ثم ينفخ فی الصور فلا يسمع احد الا اصغى لیتا ورفع لیتا قال اول من يسمعه رجل يلوت حوض ابله قال فيسعق ويسعق الناس۔ صحیح مسلم دی روایت، اللہ دے سونے نبی فرماندے نے جدوں ایک کرنا دے اندر پھونک مارے گا نا، میرا ویر ہوئے گا کی؟ سب تو پہلے حوض دے اوتے، حوض اونٹاں دا حوض، ایک بندہ ٹھیک کر رہا ہوئے گا نا، اونٹاں دا حوض ٹھیک کر رہا ہوئے گا، سب تو پہلے ہلکی جی آواز اندے تک پہنچے گی، یہ آواز اندے تک پہنچے گی نا، یہ آواز سنے گا، ایک پاسے گردن نو جھکا دے گا، ایک سائڈ اچھی کر دے گا، ایک سائڈ جھکا دے گا۔ آپ فرماندے نے پھر پھونک پھیلتی جائے گی، پھر کرنا دی پھونک پھیلتی جائے گی، اور جویں جویں آواز ودھی جائے گی، آپ فرماندے نے آسمان ٹوٹنا شروع ہو جان گے، زمین ختم ہونی شروع ہو جائے گی، آسمان تے چند تے تارے ویر جی ٹوٹنے شروع ہو جان گے۔ اللہ دی قسمیں او آواز ایویں دی اے، او کرنا دے اندر پھونک ایویں دی اے نا، ایندے نال سارے بندے بے ہوش ہو جان گے۔ مالا کل موت ساری ایم 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 اللہ اٹھو جی ماشاء اللہ نبی فرماندے نے اور اسرائیل اللہ بنائے نے ماشاء اللہ تھوڑا حصہ نے اس پاک اندر لفظ ملتا ہی کوئی نہیں، ماشاء اللہ کل موت جڑا جان کڑا دا شی سا سے تے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ مار چ برکت فرما اللہ دے حوالے کر دے گا۔ چلو ساری کرے دے سب تے
कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने सारी दुनिया जिंदे जिंदे तक आवाज पहुंचती जाएगी ना, जड़ा जड़ा सुनता जाएगा वह बेहोश हुंदा जाएगा। और कायनात दे सरदार फरमांदे ने सारिया चीज़ा टुटनिया शुरू हो जाएगियां, आसमान टुट गया, आसमान खत्म हो गया, चंद तारे जड़े ने टुटते पे ने, अल्लाह समुंदरा च फिर अग लगी। ये पहला काम जे पहला समुंदरा च अग लग गई, कब्र फट जान गियां, लोग कब्र च उठ जान गए, निकलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ये दिन कड़ा होना है, अल्लाह दे पाक पैगंबर ले सलातो व सलाम फरमाते ने ये जुम्मे वाला दिन होएगा जो करना दे अंदर इसराफील फूंका मार छड़ेगा। अल्लाह जुम्मे वाला दिन जड़ा ना अल्लाह जानता जी इस दिन ना बिल्कुल सही रवायत इब्ने माजा दी, इस दिन पहाड़ डरते ने, हवावां डरदियां ने, समुंदर डरते ने, दरिया डरते ने, ये दिन ने वीर इस दिन अल्लाह दियां जिन्नियां बनाई हुई मखलूकां ने वह सारियां डरदियां ने, नहीं डरता तो सिर्फ इंसान ही नहीं डरता पिया, बाकी सारे डरते पे ने, क्योंकि दिन बड़ा सख्त है। अल्लाह अकबर, अल्लाह किन्ना कु सख्त दिन। अल्लाह दे सोने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इन दे अंदर फूंका मार देगा, एक करना दे अंदर फूंका वज जानगियां, सारियां चीज़ां तबाह हो जानगियां, फिर फूंक वजेगी, फिर सारे उठ जाएंगे। सैयदना अबू हुरैरा कोलो एक बंदे ने सवाल कर दिता, आंदा हज़रत जी मां बहन नफ़खातैन, दोवां फूंकां जिहड़ियां वजनियां ने, एक वजनी है जिंदे नाल सारी दुनिया तबाह होनी है, सारी दुनिया खत्म हो जानी है, सारी दुनिया तबाह होनी है, लोग मर जाने ने, फिर दूसरी फूंक नाल अल्लाह पाक ने जिंदा कर लेने। इत्थे दसो इंदे अंदर फासला किन्ना है, अरबाउना यौम चाली दिन होंगे। फरमांदे ने अभी तो मैं ते जानदा ही कोई नहीं, आंदे ने हज़रत जी अरबाउना शहरन क्या चाली महीने होंगे, फरमांदे ने मैं नहीं जानदा, आंदे ने अरबाउना सनातन क्या चाली साल होंगे, अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं नहीं जानदा, मैनू नहीं पता मेरा वीर या चाली साल ने या अल्लाह जानदे। जदों सारी दुनिया खत्म हो जानी है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा, आप फरमांदे ने अल्लाह पाक जो आवाज़ ला देंगे, ऐनुल जब्बारून ऐनुल मुताखबिरून, और सरकश लोग किथे ने, बागी लोग किथे ने, अल्लाह दे नाल बगावता करन वाले किथे ने, आकड़ खान तकबर करन वाले लोग किथे ने, अल्लाह पाक आवाज़ ला देंगे ना, कोई आवाज़ नहीं आएगी, अनल्ली मानिल मुल्कुल योम, अल्लाह आप ही आवाज़ ला रहे ने, अज बादशाह किंदे वास्ते वे, अज बादशाहियां किंदे वास्ते ने, अरशां वाला रब ये आवाज़ ला रहे, पहला नफ़ पहले करना अंदर फूंकने, हर चीज खत्म कर छड़ी है, अल्लाह पाक ज आवाज़ा ला दितियां ने, कोई आवाज अगों नहीं आई, फरमाया अनल मालिकुल, मैं ही बादशाह, मैं ही जब्बाराम, मेरी सिफ मुतकब्बर, मैं ही जब्बाराम, मैं ही बादशाह, अल्लाह तो अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह पाक ने कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने, फिर अल्लाह पाक एक बारिश जी पा देंगे, वह बारिश जड़ी है शबनम का काम करेगी, वह बारिश जदों पेगी यंबो तुल अकलो बकलो, कायनात दे सरदार फरमांदे ने जिमें जमीन चो सब्जी उगदी है इवें लोग उठना शुरू हो जाएंगे ना। अल्लाह अकबर अल्लाह, अज बुज़म मेरा वीर रीढ़ की हड्डी एक छोटी जी, सारा इंसान मुक जाता है, सारा जिसम बंदे का मुक जाता है, हड्डियां मुक जाने, कायनात दे सरदार फरमांदे ने रीढ़
दी हड्डी बाकी रहिंदियां ना, अज वो जंबे नूं क्या जांदे। मेरे नबी फरमांदे ने अज वो जंब बाकी रखी जांदी है, इहदे तों अल्लाह पाक लोगां नूं जोड़ना शुरू कर देंगे, लोगां नूं बनाना शुरू कर देंगे। जदों अल्लाह पाक ने यह दोबारा इहदे कोलों फूंक मरवानी है, दोबारा इहने करना दे अंदर फूंक मारनी है, अल्लाह दे सोहणे नबी फरमांदे ने फिर लोग उठना शुरू हो जाएंगे। मेरा वीर अपनिया कबर चुठनगे ना। हुण अगे कुरान ने नक्शे खिंचे ने, वनुफिखा फिसूर फाइज़ा हुम मिनल अजदासी ला रब्बिहिम यंसलून, कालू या वैलना मन बासना मिन मरकदिना हाजा माला दर रहमानो असादा कल मुरसालू। कायनात सरदार फरमांदे ने अल्लाह दा कुरान नक्शे खिंचदा पिया है ना। मेरा वीर कुरान की कह रहा है, वनुफिखा फिसूर फाइज़ा हुम मिनल अजदासी, जदों दोबारा फूंक मारी जाएगी लोग कबरां दे अंदरों उठ जाएंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे। दौड़नगे किधर? अल्लाह अल्लाह आ तैनू दसदे आं, माशर दे मैदान वल दौड़नगे। माशर दा मैदान कित्थे लगना है? अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, अर्ज़ो शामी शाम दी जड़ी जमीन ना। मेरा वीर शाम दा जड़ा मुल्क है ना, इत्थे अल्लाह दे नबी फरमांदे ने माशर दा मैदान लग जाना है। हुण मेरे वीर कबरां दे अंदरों लोग उठदे पे ने, की कहंदे ने काफर? या वैलना मंबा सना मिम्मर कदना, आंदे ने हाय अफसोस साड़ियां आराम गावां चो सानू किन्ने बदार कर छड़े आए। 99 पिछले जुमे दसिया 99 सप लगे पे ने, एक सप दे 70 मूह ने ते एक मूह दे 7 सिर ने, वह टंग मारते पे ने कटते फटते पे ने। पर अल्लाह की कसमे भाई जान, क्यामत की हौलनाकी इतनी बड़ी है, क्यामत की सख्ती इतनी बड़ी है। कायनात का सरदार रब का कुरान कहता पे कि जो उठन के आखन के साड़िया आराम गावों चो किन्ने बेदार कर छड़े है, किन्ने सन उठा छड़िया। माना दसो किसी जगह उत्ते सप हो, वैसे बंदे नूं कहता जाए उत्थों कोई बैठेगा? उस कमरे च बैठे हो कोई? उस दुकान च भावें करोड़ों का अंदर माल पिया हो, है करोड़ों का माल पिया हो, इन्ना कहता हिस्सा अंदर सप जे शक की बंदा पा। अल्लाह कोई बंदा नहीं बैठन लगा। पर क्यामत की हौलनाकी इतनी बड़ी है, क्यामत की सख्ती इतनी बड़ी है। कायनात दे सरदार फरमाते ने कि ये लोग अपनिया कबर लिया सख्तियां ते मारा भुल जाएंगे, अगली पै जाएगी। हुण की होएगा? अल्लाह अकबर अल्लाह। हालत की होनी है जो इतों कबर च उठे ने, तो किस हाल के अंदर ये माशर वाल जा रहे ने? आप फरमाते ने उशरुन्नासु यौमल कियामा। और मेरे नबी फरमाते ने लोगों माशर दे मैदान वल कठिया किया जाना है, हुफातन औरातन गुरलन। आप फरमाते ने नंगे बदन होंगे, नंगे प्यारी होंगे, खतने भी कोई नहीं होंगे, बेखतने होंगे। इस हालत के अंदर इंज समझ लें जिमें माँ दे पेट अंदरों आंदा है, इंज दा बंदा उठा जाने। तेरी मेरी मां सैयदा ऐशा सदीका तैयबा ताहरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने, सुनिया एक गल ते दस दियो ना। आप फरमांदे ने नहीं ऐशा पुछा की गल पुछनी है, फरमांदियां ने सुनिया लोग नंगे बदन होंगे, तुसी आंदे हो नंगे पाउंगे। अल्लाह दे नबी जी इत्थे दसो एक दूसरे वाल वेखणगे नहीं। कायनात दे सरदार फरमांदे ने नहीं ऐशा उस दिन दियां सख्तियां ही ऐसियां होनियां ने
कोई बंदा किसे वाल देख नहीं सकेगा, किसे दी इन्नी जुर्रत नहीं होएगी, हर एक नूं अपनी अपनी पई हुई होएगी ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर ने सलातो सलाम फरमांदे ने इंज नंगे पैरी नंगे बदने अल्लाह दे माशर दे मैदान दी तरफ यानी मुल्के शाम दी तरफ कसीटे जा रहे ने। इन्हां दे जान दियां हालतां वीर जी किवें दियां होणियां ने, जिहड़े नेक लोग होणगे ना मोमन बंदे होणगे ना। आप फरमांदे ने जुर्दन मुर्दन मुकहलीना, मेरे नबी फरमांदे ने इंज होणगे इन्हां दी दाढ़ी मुछ कोई नहीं होएगी, अखां च सुरमा जिहा पिया होया होएगा ना। ए अल्लाह दे मैदान माशर वाल लुटाए जाणगे, मैदान माशर वाल टोर दिते जाणगे। कायनात दे सरदार फरमांदे ने माशर दे दिन जिहड़े बंदे नूं सब तों पहले लिबास पहनाया जाणा है, जंती जोड़ा पहनाया जाणा है, अल्लाह दे नबी जनाबे इब्राहिम अलैह सलाम ने फिर उन्हां वास्ते कुर्सी लियांदी जाएगी, कुर्सी ते बह जाणगे। मेरे नबी फरमांदे ने फिर मैनू भी लिबास पहनाया जाएगा, फिर मेरे वास्ते भी अल्लाह दे अरश दे नाल कुर्सी लग जाएगी, मैं भी उस कुर्सी ते बैठ जावांगा ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरा वीर जरा सुनदा जाना, हालतां क्यों नहीं ने, अजीब हालतां होनियां ने ना। कायनात दे सरदार फरमांदे ने जदों लोग कबरां च उठणगे इन्हां दे तीन किस्म दे ग्रोह बना दिते जाणगे। कुछ लोग ते ओह होणगे जिहड़े नेक होणगे, ये सवारियां ते जनाब जा रहे होंगे। आ फरमांदे ने कुछ ऐसे लोग ने जड़े ऊंठां ते सवार होंगे, एक ऊंठ ते एक बंदा सवार होएगा, एक ऊंठ ते तीन बंदे सवार होंगे, एक ऊंठ ते चार ते पांच ते दस बंदे सवार होंगे। हदीसे पाक दे अल्फाज ने ते काफर बंदियां नूं मुनाफक ते काफर बंदियां नूं अग घसीट के माशर दे मैदान वल लै के जा रही है। मेरे नबी फरमांदे ने जदों थक जाणगे अग भी ठहर जाएगी, जिथे रात करनगे अग भी उथे रात करेगी, जिथे दिन करनगे अग भी उथे दिन करेगी, जिथे ठहरनगे अग भी उथे ठहर जाएगी। ये अग घसीट के इन्हां नूं लै के जा रही है ना। वीर जी मोमन बंदे, वीर जी मेरा वीर मेरे बजुर्ग मोमन बंदे जड़े ने ऊंठां ते सवार होणगे, इन्हां वास्ते बड़ियां शानदार सवारियां होनगिया ना। ते मेरा भाई, मेरा भाई कायनात दे सरदार पैगंबर भी बड़ी आला सवारी ते सवार होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ लखवी रहमतुल्लाह, दुआ करो अल्लाह सब की कबर मुनव्वर फरमाए। बड़ी प्यारी बात लिखी फरमांदे ने जद कबरां विचों निकलन हो सन माशर तरफ रवाना, ओ जद कबरां विचों निकलन हो सन माशर तरफ रवाना, हो सवार बुराक चल सी ते सरवर दुआ जहाना, ते हसन हुसैन उठाते होसन, हसन हुसैन ओए हसन हुसैन उठाते होसन, ते मोमन सब सवार होसन, ते सीन महार सुनैरी। मैं कुर्बान जावा इंज सवारियां ते अपने अपने अमलों के मुताबिक सवारियां ते सवार होंगे, हजरत बुराक ते सवार होंगे ना। मेरा वीर जरा ध्यान करदा जाई, ये अल्लाह दे मैदान माहिर वालों चला दिते गए ने। कायनात दे सरदार पैगंबर फरमाते ने अल्लाह अकबर अल्लाह। कई लोग ऐसे होंगे ना इन्हों सिर के बन्ने चला दिता जाएगा, लत्तां उतां ने
सिर नीचे सियाबंदे ने सुनिया बंदा सिर दे पार किवें चलेगा, हजरत जी चेहरे दे पार किवें चलेगा। आप फरमांदे ने अल्लाह ताकदा रखदा है, कादिरुन अला अयुम शिया हो अला वजह ही यौमल कियामा। सही अल बुखारी दे अल्फाज ने ना अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल्लाह इस बात ते ताकदा रखदा है जेड़ा पैरां ते चला सकदा है, वो इस गल ते ताकत रखदा है। क़यामत आले दिन होएगा कई लोगों नूं अल्लाह पाक सिरां दे बल चला छड़ेगा। बड़ा मामला सहज है। ये कबरां झूठे ने इन्हां दी हालत की, मोमन बंदे जड़े ने ना उन्हां दी की हालत होएगी, एक अलग मजमून बन जाना है। ये फिर किस दिन अरश दे इलाही दा साया पाण वाले लोग खड़े होणगे, एक अलग मजमून है। अज मैं जरा सिर्फ उन्हां दीआं हालतां बयान करदा जिहड़े कबरां दे अंदरों उठे ने ते चल रहे ने। कुरान नक्शा खिंच रिहा जे व अशराकत अल-अर्ज़ु बिनूर रब्बिहा व वुज़िअल किताबु व जीअ बिन्नबिय्यीना व शुहदाए व कुज़िया बैनहुम बिल हक व हुम ला युज़लमून। अल्लाह का नूर जड़ा है इन्हें ना जमीन रोशन हो जाएगी, क्योंकि चंद भी खत्म, सूरज भी खत्म, तारे भी खत्म, अंधेरा ही अंधेरा है। अल्लाह सोने का नूर ऐसा है मेरा वीर, उन्दे ना जमीन रोशन हो जाएगी ना, ते लोकां दे मालनामे सामने पेश कर दिते जाएंगे। इंज नबी भी आ जाएंगे, गवाह भी आ जाएंगे। अल्लाह लोकां दे दरमियान दे अंदर हुण फैसले करन लगे ने। अल्लाह दी कसम है वह हम ला युज़लमून। कुरान कहता है अल्लाह जुलम करने वाला नहीं, फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर नहीं आ रहा। अल्लाह की कसम है मेरा वीर, जिन्हें जर्रा बराबर ने की है वो भी सामने आ जाएगी, जिन्हें जर्रा बराबर बुराई की है ना अल्लाह का कुरान कह रहे वो बुराई भी सामने आ जाएगी, जिन्हें दुध च पानी पाया वो भी सामने आ जाएगा, जिन्हें रात न उठ के सर्दियां दिया रात न उठ के ठंडे पानिया ना वजू करके ठेडे खा के अल्लाह दे घर जाके दो रक्तां पड़िया ने उनका अमल भी सामने आ जाएगा, तेरे फराड भी सामने, तेरे धोखे भी सामने, तेरे झूठ भी सामने, तेरिया बगावतां भी सामने, और तेरा कल्या बह के मोबाइल वेखना भी सामने। वीर जी क़यामत दा दिन बड़ा सख्त ही, अल्लाह फैसले करन लगे ने नाम, किसे ते जर्रा बराबर जुलम नहीं किया जाएगा। अल्लाहु अल्लाह, एक जमीन जड़ी है कुरान कहता है यौमा तु बदलुल अर्ज़ो गैरल अर्ज़ी, इस जमीन एक जमीन ना पलट दी जाएगी, जड़ी नवी जमीन होएगी सफेद रंग की जमीन होएगी। एक ने सवाल कर दिता हजरत जी जदों जमीन ना जमीन बदली जानी है लोग कितने होंगे, अल्लाह के नबी फरमाते ने लोग पुल सरात खड़े हो गे, जमीन जमीन ना अल्लाह पाक बदल देगा ना, मेरा वीर नवी जमीन किंज दी होनी है। आप फरमांदे ने अलार्ज़िन बैज़ा फरा चमकदार होएगी, खाक कस्तरी रंग दी बड़ी सोहनी जी जमीन होएगी, ए टिकिया दी तरह बिल्कुल साफ होएगी ना। अल्लाह दे सोहने नबी फरमांदे ने इंदे ते कोई गुनाह नहीं किया होया होएगा, उस जमीन ते
कोई गुनाह नहीं होया होगा। अल्लाह अकबर अल्लाह, हर बंदे नूं दो पैर रखन दी बस जगह मिलनी है, इन्नी कु जगह मिलनी है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह, मेरा वीर जरा गौर करता जाना, कब्रां झूठे ने, माशर दे मैदान वल लोग चले ने, हर बंदा अपने पसीने च डुबिया होया है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, कोई टखनियां तक, कोई गोडियां तक, कोई कमर तक, कोई मोडियां तक, कोई सारे दा सारे ही पसीने दे अंदर डुबिया है। आ फरमांदे ने, इन्ना पसीना होएगा अगर चाया जाए उनके अंदर कश्तियां चलाईयां जान, कश्तियां भी चल जान, इन्ना पसीना होएगा जी। बिल्कुल सही रवायत सुना रहे, रवायत जिन्हियां बिल्कुल सही, तरकीब के अंदर तबरानी 52-58 नंबर ते, अल्लाह अकबर अल्लाह, हर बंदे नूं पसीने च डुबिया। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम फरमाते ने, मैं उत्थे खड़ा होगा ना एक जगह ते, ते ईसा अलैहि सलाम आ जाएंगे, आके कहेंगे सोने हम सारे नबी खड़े ने, ते कहंदे पेने हजरत जी अल्लाह को दुआ कर दियो, अल्लाह हिसाब शुरू कर छड़े, बस ये दुआ करो अल्लाह हिसाब मामला शुरू करे। लोग पसीने वाली ते माशर दे मैदान वालिया सख्तियां को महफूज हो जाए। आ फरमाते ने, कई बंदे ऐसे पसीने च डुबे होंगे, आखेगा ला मैनू इन्दे को नजात दे दे, भावें जहन्नमी भेज दे, इन्दे को नजात दे ते भावें जहन्नम भेज दे। अल्लाह अकबर अल्लाह, 50,000 साल का दिन ज, और तेरे मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सियाबा आप अपनी उम्मत की फिक्र लगी होएगी, लोगों अपनी अपनी होएगी, रब्बे नफसी लोग कह रहे ने, अंबिया भी रब्बे नफसी नफसी कह रहे ने, आप फरमाने रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत नू बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ कर छड़। अल्लाह अकबर अल्लाह, लोगों दियां हालत कैसियां ने, तवज्जो करते जाए जे। अल्लाह दा कुरान कह रहे हैं, हम जरा ध्यान ना सुनना, सिर्फ वो बंदियां दा तज़करा जेडे कबरां च उठे ने, तो उन्हां दा मामला की, मुनाफक ते बेनमाज की हालत की होएगी, मुनाफक ते बेनमाज की हालत। कुरान कह रहे हैं, यौमा युक्षफु अन साकिन वयुदौना इला सुजूदी फलाम यस्ततियून खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला वकद कानु युदौना इला सुजूद वहुम सालिमून। कुरान कहता है अल्लाह अपनी पिंडली खोल देंगे, कुरान कुरान नतियां पारा, अल्लाह अपनी पिंडली खोल देंगे, लोगों नु सजदे वल बुलाया जाएगा, कुछ लोग ताकत नहीं रखनगे, इन्हां दियां अखां झुकियां ने, इन्हां ते जिल्लत पै गई है। ये दुनिया ते सजदे वल बुलाए जाते सन, दुनिया ते नमाज वल बुलाए जाते सन, अजाना सुनते सन, वीर जी नमाज कोई नहीं सी जे पढ़ते, है मुसलमान पर नमाज कोई नहीं सी पढ़ता, इनू नमाज की फिक्र ही कोई नहीं सी। कुरान कह रहा है ना, अल्लाह का कुरान कहता है, जिदन लोग सजदे दे अंदर पा दिते जाएंगे, ये सजदा करना चाहेगा सजदा नहीं कर सकेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह, बल्कि कुरान कायनात सरदार नबी फरमाते ने, इनकी पुश्त एक तख्ता बना दिती जाएगी, इंदा लक ते कमर एक तख्ता बना दिती जाएगी, ए सजदा करना चाहे सजदा कर ही नहीं सीख सकेगा, उंजी डिग पेगा ना। दूजा बंदा कौन है? अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने, ये जीउल मकतूलो बिल कातिल यौम अल कियामा नासियतहु वरासहु फी। मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने, आ फरमाते ने,
जिन्हों किसे बंदे ने कतल किया है, मकतूल इंज करके कातल नू फड़िया होएगा, उनके सिर तो फड़िया होएगा ना, उनकी पिछानी तो फड़िया होएगा, उन्हों घसीटदा घसीटदा लैके आ रहा है, अल्लाह के दरबार के अंदर लैके आ जाता है ना, अल्लाह के दरबार च लिया के आंदा है, या रब्बे कातल नी हाजा हत्ता युदनिया हो मिनल अर्श, जामिया तिरमजी च लिखा है आंदा अल्लाह सोनिया इन्ने जालम ने मैनू कतल किया सी, अर्शा वालिया हुण मैं तेरा बंदा, मैं तेनू कुछ नहीं कहा, इस सही बेईमान ने दुनिया ते मैनू कतल किया सी, मैनू पकड़ के तेरे कोल ले आया, अल्लाह सोनिया मैनू बदला दुआ दे। मकतूल जड़ा कातल नू सिरों फड़ के पिछानियां फड़ के कसीटदा लैके जा रहे, अल्लाह अकबर अल्लाह, होर कड़ा बंदा क्यामत वाले दिन दे मुनाजर मदाने माशर दियां सख्तियां कबर चो उठन दे हालात वेख लै, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने कई लोग ऐसे होंगे ना इन सत्ते दियां सत्ते जमीनां सिर ते चुकियां होईयां ने, अर्शा वाले आम एक टप्पा मिट्टी दा चुकियां कोई नहीं जानदा, इन सत्ते दियां सत्ते जमीन नहीं चुकियां है, इन्हों की गल बन गई, सही अल बुखारी च लिखिया है, ये वो बंदा है जिहड़ा लोकां दियां जमीनां ते नजायज कब्जे कर लैंदा सी, कब्जा ग्रुप जनाब लोकां दियां दुकानां ते नजायज कब्जे, लोकां दे मकानां ते नजायज कब्जे, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने और जिन्ने क खेठ भी किसे दी जमीन मारी है क्यामत वाले दिन सत्तां जमीनां दा तोप बना के इंदे गल अंदर पाया जाएगा, घसीटदा घसीटदा माशर दे मैदान दे अंदर चला जाएगा। दुआ कर अल्लाह महफूज फरमा ले, हालत की होनिया ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर ले सलाम फरमांदे ने, बल्कि रब दा कुरान कहिंदा है कई लोग ऐसे ने इनू क्यामत वाले दिन पागल करके उठाया जाएगा, वीर जी 50,000 साल दा दिन ये पागलां तरह ही फिरदा पे है, कुरान नखे खिंच रहा है, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, अल्लाह दा कुरान कहंदा है जड़ा बंदा सूती काम करदा है, सूती कारोबार करदा है, सूद दा काम करदा है, सूद खांदा है, सूद दा काम करदा है, अल्लाह दा कुरान कह रहा है 50,000 साल दा दिन इस बंदे नू जनाब पागल ते पागला कीता जाएगा, पूरा 50,000 साल दा दिन पागला तरह ही फिरदा रहेगा। इतने आते हैं जी कारोबार नहीं चलता की करिए, कोई ना कोई गुंजाइश कढ़ो भाई, गुंजाइश असी कढ़नी, दुआ करो अल्लाह दीन दी समझ अता फरमाए, और भाई तजारत कर उस तरह की कर जिस तरह की सोने नबी ने आखी है, जे सही ताजर बन जाए, अताजर उस सदूक सदूकुल अमीन हो, सच्चा ताजर अमानतदार ताजर, कायनात सरदार फरमाते ने क्यामत का दिन होएगा मान नबीन व सिद्दीकीन व शुहादा, अल्लाह पाक क्यामत नबिया के सदीकों का साथ अता फरमा छड़ेगा। सच्चा ताजर ते मान दो खूबियां ने, ताजर बन पर सच्चा बन जा ते मानदार बन जा, आ दो खूबियां तू पैदा कर लै ते नाले समान बहुता विकेगा जे, ये भी गल पक्की जे, कारोबार बहुता चलेगा, झूठ ना नहीं चलता, झूठ ना बंदा समान, बिल्कुल हदीस जांदा है असर तो बाद कसम खा के अपना माल वेच लेंदा है, लेकिन उहदे माल दे अंदरों उहदे काम दे अंदरों बिल्कुल अल्लाह पाक बरकत उठा लेंदे ने, वह समझदा मैनू फायदा होया, पर फायदा टकेदा भी नहीं होंदा, नुकसान उल्टा पै जांदा जे, अल्लाह इस वास्ते मसाइल समझ लिया करो, काम करना कारोबार झूठ से मारना ही नहीं, ते नाले जो अजाना पै जाना फिर दुकाना बंद करके ना, ते फिर आओ मस्जिद च, ते फिर इंशाल्लाह माशर दा मैदान लगे होगा, अल्लाह इस तरह ता फरमा छड़ेगा। और मेरे भराओ मेरे दोस्तों, अल्लाह बड़िया इज्जत देने वाला जे, अल्लाह बड़ा कादर है, अल्लाह हू अकबर अल्लाह, हालत की होनिया ने,
अल्लाह के नबी फरमाते ने कई लोग ऐसे होंगे उन्हां दे दोवें हाथियां मोढ़ियां ते बन दिते जाणगे। ये बंदा कौन है पता चलेगा। ये दसां बंदियां दा चौधरी ते नाज़म ते चेयरमैन सी। अगर इन इंसाफ कीता ए गाणा मेरा भाई खलासियां पा जाएगा, नहीं ते बन्नियां बनाए माशर दे मैदान दे अंदर सुट दिता जाएगा। मैं इख्तसार करदा जावाना होर कड़े बंदे ने मैदाने माशर च लोग उठे ने। आप फरमाते ने जड़ा बंदा धोखा देंदा है लोगों नूं, फराड मारदा है, धोखा देंदा है, आहद शिकनियां करदा है, आप फरमाते ने इंदा इस्ते ही ओ मलकियां मां लिवाउन एक झंडा जड़ा है इसकी पुश्त लगा दिता जाएगा ना। लोग वेख के पहचान लेंगे ना ये धोखेबाज बंदा है, आहद शिकनी करन वाला बंदा है, होर कड़ा बंदा है। आप फरमाते ने कई लोग ऐसे होंगे उनकी एक सैड ही फालिजदा होएगी, फालिजदा सैड नूं घसीड़दा घसीड़दा माशर दे मैदान अंदर जाएगा। अल्लाह सोणिया इहनूं की बन गया है, ये कौन बंदा है। आप फरमाते ने मन कानत लहू इमरातान, जिन्हें दो शादियां करवाइया ने, दो बीवियां कराइया ने, इन्हां दे दरमियान दे अंदर इंसाफ कोई नहीं करदा, उन्हां दे दरमियान दे अंदर इंसाफ दे तकाजे पूरे नहीं करदा। कायनात दे सरदार फरमांदे ने एक क़यामत आले दिन आएगा वशिको हूं साके तुम, एक सैड ही फाले ज़्यादा होएगी, घसीड़दा घसीड़दा माशर दे मैदान दे अंदर चला जाएगा। आधे एक बंदे ने दो बीवियां कराइया तो गन्नियां भी लियाना ना बाहरों घर तराजू रखा सी अद्धा उन्होंने तो अद्धा उन्होंने देना है। या तो कई बंदे बई डरते नहीं, कई तो कराते नहीं, आते ने मेरी तौबा है। कई कई पुछ लिया आते ने जे दो करा लिया उनकी माँ ही नहीं मरती, आंदा किवें आंदा वो कहती उस माँ को बैठा होना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते मेरे भाईओ जेड़ा बंदा दो करवाए फिर इंसाफ ना करे ते अल्लाह दा पाक पैगंबर सलाम फरमाते ने माशर दे मैदान दे अंदर एक सैड फाले ज़्यादा होएगी, इस हाल दे अंदर माशर दे मैदान च पहुँचाया जाएगा। दुआ करो अल्लाह महफूज फरमाए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आ मेरा भाई जरा गौर करदा जा, कई लोग ऐसे होंगे जड़े अंधेरे दे अंदर ही ने। कुरान नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तक जुल्म फैन जुल्मा जुल्मा दुनिया मल कियामा, और जुल्म को बच जा, जुल्म अंधेरियां दा बायस बनेगा। जड़ा किसते जुल्म करता है क्यामत वाले दिन अंधेरियां दे अंदर ही चलना होएगा ना। कई लोग ऐसे होंगे इन्हें जनाब अपने सिर ते गां चुकी हुई होएगी, इन्हें अपने सिर ते ऊंट चुकिया होया होएगा, बकरी ते पेड़ चुकी हुई होएगी। अल्लाह दे नबी जी ये कौन बंदे ने। सही उल बुखारी दी हदीस आप फरमांदे ने जड़ा बंदा ज़कात दे माल दे अंदरों या किसे माल दे अंदरों चोरी कर लेंदा है, वो चोरी दा माल इंदे मोढ़ियां ते चढ़िया होया होएगा ना, नाले आवाज़ां मारदा पिया होएगा, नाले नूं माशर दे दिन जलील कर देवेगा, नाले दे कंधियां ते चढ़ के माशर दे मैदान अंदर आ जाएगा। अगर भेड़ ते बकरी चोरी कीती है, गां ते ऊंट चोरी कीता है, घोड़ा चोरी कीता है, और कोई चीज चोरी कीती है, ऐसे हाल दे अंदर लेके आएगा ना। इख्तसार करदा जा, कायनात दे सरदार फरमांदे ने कई लोग ऐसे होंगे इन्हां दे चेहरे ते गोश्त पोश दी कोई नहीं होना, हड्डियां दा ढांचा बना के उठा दिता जाना। सोने आए कौन बंदे ने। आप फरमांदे ने वह बंदे ने जिन्होंने अपना पेशा ही मंगन बना लिया सी, लोगों को मंगते रहते सन कितने यतीमों के नाम से, कितने मस्जिदों के नाम से, कितने जनाब किसे नाम से, कितने गरीबों के यतीमों के नाम से, ये लोगों को मंगते रहते सन। लोड़ पूरी भी हो गई है फिर भी मंगता पिया है। कायनात दे सरदार फरमाते ने इनू क़यामत वाले दिन इंज उठाया जाएगा, इन हड्डियों का टांचा होएगा, जिमें कीड़े गोश्त खा गए ने हड्डियों का ढांचा बना के उठा दिता जाएगा ना। मेरा वीर कई लोग ऐसे होंगे इन्हें मुँह मुँह से थुक्का ही थुक्का पईयां। अल्लाह के नबी जी ये कौन लोग ने। फरमाया मन ताफला ते जा गल किबला ते जा यौम
القیامت تفلوہ بین آئی نہیں ہے اور میرے نبی فرماندے نے جڑا بیت اللہ لے پاسے منہ کر کے تھکاں سڑ دائے نا میرا ویروں مسئلہ سمجھ لے جڑا جان بوجھ کے بیت اللہ لے پاسے منہ کر کے تھکاں سڑ دائے کائنات سردار فرماندے نے قیامت دن اندے منہ تے تھکاں ہی تھکاں پیاں ہوئیاں ہون گیاں نا ویر جی ہور کڑے بندے نے کائنات سردار پیغمبر فرماندے نے نا کئی لوگ ایسے ہون گے اندے منہ دے اندر دو زباناں ہون گیاں دوویں اگ دیاں ہون گیاں اندے منہ نوں جلا دین گیاں سونیا اے بندہ کون اے فرمایا دوغلا پلیسیاں کرن والا اے ادھر ہو رے دوجے پاسے ہو رے نا اللہ اکبر اللہ کئی لوگ ایسے ہون گے نا میرا ویر انہاں نوں انیا کر کے اٹھایا جائے گا اللہ اے بندے کون اے قرآن پڑھ لو فرمایا ومن آرزا عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما اللہ دا قرآن کہندا ہے جن اللہ دے ذکر تو منہ موڑے اللہ دے ذکر تو دور ہو گئے میرا بھائی ان دی معیشت بھی اللہ فرما دے دنیا تے تنگ کر دینے ہاں قیامت دا دن ہوئے گا اسی انیا کر کے انہوں اٹھا دیاں گے پتہ کی آکھے گا کالا رب لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا اللہ میری اکھا سن میں تے وینا سا ہن انیا کیوں کی تے فرمایا کالا کذالکا اتت کا آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا او ظالما دنیا تے تو ساڈیاں تاں نوں بھلا دتا ساڈے ذکر تو منہ موڑ لیا سی ہم قیامت دا دن اسی تینوں قیامت دا دن سی 50,000 سال دا دن تینوں اسی انیا کر کے رکھنا ہے کئی بندے ایسے نہیں جڑے اپنے ہتھاں نوں کٹ کے وڈ کے کھا رہے نے قرآن کہندا ہے یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا انہیں نبی دا رستہ چھڑ دیتا بدتاں اختیار کر لیاں بدتاں اختیار کرن والا بندہ ظالم بندہ قیامت والے دن اپنے ہتھاں نوں کٹ وڈ کے کھا رہا ہوئے گا نا میرا ویر جن اضافی طور تے کوٹھی تے مکان بنایا قیامت والے دن اپنے سر تے چکیا ہوئے گا لے کے معاشر دے میدان اندر آ جائے گا اینوں لوڑ بھی کوئی نہیں سی اینوں ضرورتاں بھی کوئی نہیں سن اینے دکھلاوے لئی مکان تے کوٹھیاں بنائیاں نا اللہ فرماندے نے اونوں قیامت والے دن تینوں اسے حال دے اندر ہی رکھاں گے کئی لوگ ایسے ہون گے کیڑیاں کیڑیاں جڑے انہاں دے قد کر دتے جان گے سونے کون نے فرمایا متکبر بندے نے تکبر کرن والے بندے نے آکڑ خان نے اللہ فرماندے نے دنیا تے تو آکڑا وکھائیاں نے ہن 50,000 سال دا دن اسی تینوں کیڑیاں جڈا قد دتا ہی 50,000 سال دا دن لوگوں دے پیراں تھلے مد کے تیرا تکبر ہی کڈ کے رکھ دیاں گے آپ فرماندے نے انوں جہنم دے اک بولس نامی قید خانے چ سٹیا جانا ہے بولس نامی قید خانے دے اندر سٹ کے اینوں جہنمیاں دی پیپ پیپ تے خون وی پلایا جانا ہے او متکبر بندہ تے اللہ نو چنگا ہی کوئی نہیں لگدا میرا ویر آنا نہ چیزاں کولوں بچ جانا کائنات دے سردار فرماندے نے تین بندے ایسے ہون گے جنہاں ول اللہ نے ویکھنا ہے نہ اللہ پاک انہاں نال کلام کرے گا نہ اللہ انہاں نو پاک کرے گا سونیا کیڑے کیڑے بندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مالکن کذابن آئلن مستقبرن شیخن زانن بڑا بندہ ہوئے زانی ہوئے بادشاہ ہوئے چھوٹا ہوئے تے نالے فقیرے تے نالے متکبرے اینا تینا بندیاں والتے اللہ پاک نے ویکھنا ہی کوئی نہیں نام میرا ویر دعا کریا کر اللہ قیامت دیاں تے حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما لے نا قرآن کہہ رہے ونو فی خان
فِسُّور فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ अल्लाह तुहानू मैनू आखरत की फिक्र पैदा फरमा दे। ये मौजू इस वास्ते बयान किया है ताकि हशर दियाँ सख्तियाँ, कबर दियाँ सख्तियाँ, मैदान हशर दियाँ सख्तियाँ सुन के असी अपनी आखरत की फिक्र कर लीए। जो बयान किया है अल्लाह मेरे समेत अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।